अस्सलाम वालेकुम। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ शिमशाल वैली। यह है शिमशाल वैली, ये डिस्ट्रिक्ट हुंजा के सब डिवीज़न गोजाल में आता है। और शिमशाल अपने जो पास है, शिमशाल पास, उसकी वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ पे पूरे हुंजा में जितने भी फॉरनर्स आते हैं, सबसे ज़्यादा आपको शिमशाल में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से जब आप अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको दो जगह नज़र आएंगी। एक राइट साइड पे अंदर एक नाला है और दूसरा लेफ़्ट साइड पे है। लेफ़्ट साइड पे जो है ना, जब यहाँ से आप अंदर जाओगे तो आप यहाँ से शिमशाल पास की तरफ जाते हैं, और वहाँ से फिर आप होते हुए आगे चाइना बॉर्डर की तरफ जाना होता है। तो शिमशाल पास तक यहाँ से, इस जगह से, इस ये शिमशाल वैली है, मेन सेंट्रल शिमशाल है। यहाँ से चाइना पास तक कोई 3 दिन का ट्रैक है, सफ़र है पैदल, और शिमशाल उधर पास से फिर आगे कोई 7-8 दिन का ट्रैक है चाइना बॉर्डर तक। उसके अलावा जो मैं आपको दूसरी बता रहा था, वो लेफ़्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से, राइट साइड से जो है ना, आप जा सकते हो स्कर्दू वैली। तो उसके लिए जो ट्रैक है वो कोई करीबन कोई 10 दिन का ट्रैक है। यहाँ से होते हुए आप स्कर्दू भी पहुँच सकते हो शमशाल से। उसी साइड से, राइट साइड से, आप शिमशाल के जो अंदर राइट साइड से आप नगर वैली भी पहुंच सकते हो। तो नगर भी आप यहाँ से जा सकते हो, आप यहाँ से चाइना भी जा सकते हो। यहाँ पे 8,000+ के जो माउंटेन्स है, हाई माउंटेन्स, वो बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि यहाँ पे आपको समीना बेग जैसी माउंटेनियर यहाँ की है, जिसने माउंट एवरेस्ट तक की उसने सर की हुई है। उसके बाद हमारे पास सुल्ताना नाम की यहाँ पे एक दूसरी एक सिस्टर है, उसने K2 उसने जो है ना सर की हुई है। और इस तरह आपको यहाँ पे हर दूसरा बंदा 8,000+ सर की आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हर दूसरा बंदा। और जितने भी यहाँ पे बाहर के फॉरनर्स आते हैं, क्लाइंबर्स, उनके साथ ये एज ए पोर्टर के तौर पे काम करते हैं, एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करते हैं, जाते हैं और जाके उनसे फिर उन्हीं के साथ चढ़ते रहते हैं। तो सब लोगों ने यहाँ के जितने भी मुख्तलिफ इत्र के नाम है, उन्होंने सर किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ के नाम शिमशाल के ग्लेशियर्स बहुत मशहूर है, जिसमें खुदबीन ग्लेशियर बहुत ही मशहूर है, यहाँ से होते हुए पूरे स्कर्दू तक फैला हुआ है। उसके अलावा यहाँ से वापस जाते हुए रास्ते में एक बहुत ही प्यारा ग्लेशियर आ जाता है, वो भी शमशाल की एक शान है। तो शमशाल वैली के हवाले से ये कुछ चीज़ें आपको बता दी है मैंने। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको जो है ना, सेंट्रल हुंजा से कोई 3.5 घंटे का सफ़र है, गाड़ी में रोड कच्चा है, बड़ा एडवेंचरस सा सफ़र होता है।